भाई सऊदी अरब में मैं अपनी गाड़ी का तेल कैसे चेंज करवाता हूँ? बकाला असल बलदी सुन सुन रहा हादा नफर कोइस सु फादा नफर मिया मिया आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे भाई रियाद सऊदी अरब में कार का ऑयल कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे, कितना विधिवत तरीके से। और मैं अभी चल रहा हूँ भाई, आप लोग देख सकते हैं कि मैं भाई गाड़ी चला रहा हूँ और चल रहा हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी का। आज मैंने देखा कि यार 5000 किलोमीटर जो है मेरा पूरा हो चुका है, तो मैंने सोचा यार पैसा भी देखा पड़ा था मेरे पास और मैंने सोचा जाके चेंज करवा देते हैं। तो अभी मैं आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे गाड़ी चल रही है और चल रहा हूँ तेल को चेंज करवाने। तो यहाँ पे देखो एकदम गाड़ी वगैरह एकदम क्लीन करके साफ़ सुथरा करके तो यहाँ पे भाई एकदम मस्त से करके देते हैं। तो आज देखो मैं अपनी गाड़ी का क्या क्या चेंज करवाता हूँ, खाली तेल चेंज करवाता हूँ कि और कुछ। तो दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर। सिग्नल पर मैं पहुँचने वाला हूँ, यहाँ पर मोबाइल का कैमरा है इसके वजह से मैं वीडियो को रोकता हूँ, वीडियो फिर पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अपनी गाड़ी का तेल चेंज करवाने फिर आ गया आज, क्योंकि 5000 किलोमीटर यार पूर हो गई थी और मैंने आज सुबह ही देखा तो मैंने सोचा यार आज बदलवा दें, नहीं तो फिर बदला ही नहीं जाएगा। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा भाई रियाद सऊदी अरब में कितने पैसे लगते हैं और यहाँ पर तेल चेंज कराने का और कैसे यहाँ पर तेल चेंज होता है गाड़ी का, और आप लोगों को बाहर निकल के अब कुछ डिटेल में दिखाता हूं। तो भाई सऊदी अरब में मैं अपनी गाड़ी का तेल कैसे चेंज करवाता हूं? तो गाइस मेरे गाड़ी में काम होना चालू हो गया है फाइनली, आप लोग देख सकते हैं कि इसका कैप खोल दिया हूं और नीचे मेरा गाड़ी पे काम होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी गाड़ी थोड़ा गर्म थी तो नीचे से ऑयल को बहुत आसानी से यहाँ से चेंज करते हैं, ऐसे यहाँ से खोल देंगे उसके बाद फिर ऊपर काम करते रहेंगे। और ये व्हाट्सअप दोस्तों बहुत ही बड़ा है दोस्तों, इसमें एक साथ में तीन तीन गाड़ी जो है सर्विस बहुत ही आराम से हो जाती है। और मेरी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं कि भाई अभी काम होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर एक वैरायटी का ऑयल रखा हुआ है और कम से कम प्राइस में मिल जाता है। और ये मैं आके कुर्सी पे बैठ गया अच्छे से, इधर कूलर लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एसेंट लगी हुई है और दूसरी वाली, और ये मेरी गाड़ी में हवा मार रहे हैं, इसको अच्छे से पहले क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद अभी तो खाली ऊपर से हवा मारे हैं, करने के बाद अच्छे तरीके से मारेंगे। और ये फिल्टर को हम आज चेंज करवाएंगे, थोड़ा फिल्टर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसके पहले मैं आया था तो सोच रहा था लेकिन नहीं चेंज कराया, और अब की बार लेकिन चेंज नहीं करवा दूंगा नया फिल्टर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों बहुत ही क्लीन करके, अभी तो खाली हवा मारे हैं, इसको फिर पोंछ के अच्छे से फिर करके देंगे। और यहाँ पे आप लोग बाहर का इसका नज़ारा देख सकते हैं कि भाई एक गाड़ी तो चली गई और यहाँ पर सर्विस होने के बाद चाहे तो आपकी इच्छा धुलवा लो या तो फिर वैसे, यार मेरी तो गाड़ी वैसे ही साफ़ है तो धुलवाएंगे नहीं, पैसा फालतू में जाएगा। और ये दोस्तों फिल्टर लगा दिया मेरी गाड़ी में उधर जाने के बाद, ये वाला पुराना वाला फिल्टर था, आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा डैमेज हो चुका है, इसको फेंक देते हैं, कोई काम नहीं है इसका, शायद अभी चलता लेकिन हम जो है चेंज करवा दिए। और एसी वाला फिल्टर जो है साफ़ करा के लगवा देंगे, क्योंकि एसी वाला फिल्टर जो है नहीं चेंज करवाएंगे। और अभी जो है नीचे से नट बोल्ट को टाइट कर रहे हैं दोस्तों, फिर अब ऑयल डालने की बारी आ गई दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि भाई ऑयल डाल रहे हैं। ये वाला ऑयल कितने पैसे का मिलता है दोस्तों अभी बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और ये वाला क्योंकि जो ये गाड़ी की कैपेसिटी है जो जैसे कोई 50 WD ऐसे कोई जब लगता है तो उसमें पूरा सब कुछ यही वाला ऑयल मैं हर बार डालता हूँ तो ज़्यादा काला नहीं पड़ता है। और 7000-8000 किलोमीटर चलती है लेकिन मैं 5000 किलोमीटर पे चेंज कर देता हूँ दोस्तों। और
ये भी आप लोग देख सकते हैं कि भाई ऑयल चेंज करके फिनिश कर दिया, चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद ये अभी ज़्यादा टाइट नहीं किया, उसको बोल रहा हूँ कि भाई टाइट कर दो यार। तो यहाँ पे भाई मेरी गाड़ी सब कुछ चेक हो के, हवा वगैरह सब कुछ एकदम चेक हो के एकदम फाइनली, थोड़ा तेल कम था फिर डाल रहे हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अब मेरी गाड़ी एकदम फाइनल हो चुकी है। तो गाइस फाइनल होने के बाद मैंने 110 रियाल दिया है इसको, और ये थोड़ा स्क्रू लूज था, टाइट कर रहे हैं उसको। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।